इस वेले दी वड्डी खबर अमृतसर तो सामने आ रही है जिथे आम आदमी पार्टी दे लीडर दे भरा दे गोलियां जिहड़ियां ने ओह चलियां ने। दस देने आ कि साबका कांग्रेस दे कौंसलर सी उस वल्लों इह गोलियां चलाईआं गईआं ने जिस करके आम आदमी पार्टी दे जो लीडर ने उन्हां दा भरा जख्मी होया है और जख्मी हालत विच जेरे इलाज ने हस्पताल दे विच। सो वड्डी खबर है अमृतसर दे विच आम आदमी पार्टी दे लीडर दे भरा दे उत्ते फायरिंग होई है। अमन कुमार नाम दस्या जा रहा है जिन्हां ते गोली चली है और गोलियां चलाउण वाले कांग्रेस दे साबका कौंसलर ने जिन्हां वल्लों इह फायरिंग की गई है और कहा ही जा रहा है कि सीवरेज नूं लै के मामूली जी गल सी जिस नूं लै के विवाद होया सी और उस तो बाद फायरिंग जिहड़ी है वह कर दी गई और एक गोली जिहड़ी है वह आम आदमी पार्टी के लीडर जिहड़े ने उन्हां दे भरा अमन कुमार नूं लगी है जिस करके वह गंभीर जख्मी होए ने हस्पताल च जेरे इलाज ने। सो दस दें कि वार्ड नंबर 65 दे जिहड़े साबका कौंसलर ने सुरिंदर चौधरी उन्हां वल्लों इह फायरिंग की गई है। उन्होंने इल्जाम लगे ने कि उन्होंने वालों यह फायरिंग की है जिस करके जिहड़े आम आदमी पार्टी के आगू ने डिंपल अरोड़ा उन्होंने भरा अमन कुमार रिंकू से फायरिंग जिहड़ी है हुई है और उन्होंने गोली लगी है जिस करके गंभीर जख्मी है और सूत्रों के हवाले से खबर आ रही ने कि जिहड़ी हालत ने वह नाजुक बनी हुई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है, पुलिस वालों जांच की जा रही है। दस दें कि वार्ड नंबर 65 से सीवरेज का काम चल रहा है और जिहड़ी मशीन जिहड़ी भेजी सी ऑपरेशन वालों उस मशीन नू लैके ए जा विवाद जिहड़ा है वह होया है। जो कांग्रेस के साबका कौंसलर है सुरिंदर चौधरी वह चाहते सी मशीन कित होर ले जानी पर आम आदमी पार्टी के आगू जो डिंपल अरोड़ा ने उन्होंने कहने मुताबिक लोगों वालों बहुत शिकायत आ रही सी जिस तो बाद सीवरेज का काम करवाने लिए खुद मौके पर मौजूद सी। कॉपोरेशन की मशीन भी बुलाई गई सी, काम चल रहा सी पर जो कांग्रेस के साबका कौंसलर से वह सुरिंदर चौधरी जिन्हों के इल्जाम लगे ने कि उन्होंने फायरिंग की है वह चाहते सी कि मशीन जी है कितने होर जी है ले जाना चाहते सी। उन्होंने कौंसलर के जो कॉपोरेशन के जोड़े मुलाजम से उन्होंने ये गल कही सी कि मशीन जी है उसके नाल जिस थान लैके जाना चाहते उत्थे चलन पर जो ये गल बहुत बढ़ गई विवाद बढ़ गया बहसबाजी शुरू हो गई और उस तो बाद फायरिंग जी है वह सुरिंदर चौधरी जो कांग्रेस के आगू ने उन्होंने वालों चलाई गई जिस करके जो डिंपल अरोड़ा है उसके भरा नाल सीगा अमन कुमार उन्होंने गोली वजी है जिस करके वह जख्मी होए ने हस्पताल दे विच जेरे इलाज है। सो दस दें कि लगातार अमृतसर दे विचों ये खबर सामने आ रही ने फायरिंग दियां। सवेरे ही खबर आई जिस दे विच एक ASI नूं मौत दे घाट उतार दिता गया, गोली मार के उसका कतल कर दिता गया और हुण आम आदमी पार्टी के जिहड़े लीडर ने उन्होंने भरा दे उत्ते फायरिंग की गई है और फायरिंग जिहड़ी है वह कोई सी होर ने नहीं बल्कि कांग्रेस दे ही एक्स कौंसलर सन जिन्हों वालों यह फायरिंग की गई है। इल्जाम जड़े उन्होंने लगे ने फिलहाल पुलिस वालों मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही जी पूरे मामले की तहकीकात करके और पुलिस वालों जी है वह जो कुछ तथ्य सामने आएंगे जो जो इस विच शामिल होंगे उस तक पहुँच की जाएगी। दसिया ही जा रहा है जो आम आदमी पार्टी के लीडर ने डिंपल अरोड़ा उन्होंने कहने मुताबिक जो सुरिंदर चौधरी है कांग्रेस के एक्स कौंसलर उन्होंने वालों कई नौजवान जोड़े से मौके पर लिया गए थे। 15 के करीब नौजवानों की पहचान जी उन्होंने हैगी है, हालांकि जोड़े बाकी 7 से उन्होंने पहचान जी है उन्होंने फिलहाल नहीं है पर कह ही जा रहा है कि तकरीबन जी दर्जन तो वध लोग जोड़े से उस शामिल से और पूरी जी है एक प्लैन के तहत उत्थे पहुंचे हुए थे जिन्हों वालों फायरिंग जी की गई है और एक गोली जी है वह उन्होंने भरा अमन कुमार को लगी है जिस करके वह गंभीर जख्मी होया है। फिलहाल विवाद जोड़ा है वह जो डिंपल अरोड़ा ने आम आदमी पार्टी का जो लीडर ने उन्होंने कहने मुताबिक जोड़ा विवाद से वह सीवरेज में लैके हालांकि रंजिश जी है उ कह रहे हैं कि रंजिश जी है उन्होंने किसी परसनल तौर पर कोई रंजिश नहीं है। हाँ उन्होंने जो चोणा हुई से उस उन्होंने खिलाफ खड़े से आम आदमी पार्टी वालों खड़े हुए थे उन्होंने जित हुई सी और कांग्रेस के जोड़े साबका कौंसलर जिन्हें इल्जाम लगने सुरिंदर चौधरी उन्होंने उन्होंने हराया और उस तो बाद ही यह सियासी रंजिश रखनी शुरू कर दी गई जिस तो बाद अज जी है यह गोली चलाई गई है। फिलहाल
पुलिस वालों मामले की जांच की जा रही है, पर सियासी रंजिश करके जिस तरह के नाल ये किया जा रहा है, इल्जाम जड़े ने आम आदमी पार्टी के लीडर डिंपल अरोड़ा वालों लगाए जा रहे हैं कि सियासी रंजिश जी सुरेंद्र चौधरी वालों रखी गई सी और इसी दे करके जी है ये पूरी घटना अंजाम दिता गया। फिलहाल मामला एक्चुअल की है ये पुलिस की जांच जो पूरी होएगी उस तो बाद ही क्लीयर हो सकेगा। फिलहाल इस पूरे मामले के डिंपल अरोड़ा जी और सामने आए ने कि कुछ किया है उन्होंने आओ सुनते हैं क्योंकि वह मौके पर मौजूद सी जो एक घटना वापरी सी। उस तो बाद नाल दे नाल पुलिस वालों भी जड़ी है वो जांच करन दी गल कही गई है। फिलहाल एक बार फिर तुहानू दस देने आ वड्डी खबर जड़ी है वो सामने आई है अमृतसर तो। अमृतसर दे जो आम आदमी पार्टी दे लीडर ने डिंपल अरोड़ा उन्हां दे भरा अमन कुमार दे उत्ते फायरिंग हुई है और फायरिंग जड़ी है वो कांग्रेस दे साबका कौंसलर वलों जड़ी है वह की गई है। इल्जाम जड़े ने सुरेंद्र चौधरी ते लगे ने कहा जा रहा है कि वह काफ़ी बंदे जड़े से नाल लैके आए सी और सीवरेज नू लैके जी सीवरेज नू लैके पूरा विवाद होया, सफाई चल रही थी सीवरेज की, मशीन जी कॉपरेशन वालों लियाई गई सी, वो मशीन नू सुरेंद्र चौधरी कितने होर लैके जाना चाहता सी और इसी गल नू लैके पहला बहसबाजी हुंदी है और उस तो बाद सुरेंद्र चौधरी वालों जिस तरह नाल इल्जाम उन्हां ते लगे ने कि उन्हां वालों फायरिंग की गई, दो फायर किए गए ने, पहला फायर उन्होंने हवाई फायर किया और उस तो बाद दूसरा फायर जो किया फायर डिंपल अरोड़ा के भरा अमन कुमार के लत पर लगा है। फिलहाल उस जेरे इलाज ने अस्पताल दे विच की कुछ किया है डिंपल अरोड़ा ने आओ सुनते हैं और पुलिस पूरे मामले दे विच की कुछ जांच कर रही है वो भी जानते हैं। मैं डिंपल अरोड़ा जी मेरी वार्ड नंबर 65 है, मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हाँ। तो ये मेरा सुरेंद्र चौधरी तो पवन चौधरी जो पुराने बदमाश ने कांग्रेस पार्टी के, ये अज मैं दफ्तर की सफाई करा रहा इलाके से, कंप्लेटा से काफ़ी लाख लोगों की, उस तो बाद जी मशीन सी डर डार वाली उन्हें अगे खो के फोटो खिचा के उस तो बाद कहता मेरे नाल चल गड्डी वाले जो मैं क्या कि जी जितने कंप्लेन पर आई है पहला कंप्लेन कंप्लीट होगी बाद च जाएगी वो करके इन्होंने उसे सुरेंद्र चौधरी भी आ गया अगों मुंडे इन्होंने कट्ठे कर ले इन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली कि मेरे गल पैन उसे उस तो बाद मैं बड़ी मुश्किल अपना बचा किया तो उस तो इन्होंने मुंडे नाल बुलाए थी इन्होंने उस तो बाद गोली चलाई जो कि पहला हवाई फायर कटा एक गोली फिर बड़ी सीधी मारी तो मेरे ब्रदर से मेरे ना ब्रदर से वो लगी है दो गोलियां चलाई एक सीधी चलाई एक हवाई फायर कटी कोई करीब करीब 12 से 15 जने मैं पंजा छियां की पछाण है तो 6-7 जो है सामने आ जाएंगे तो मैं जरूर पछाणा हाँ पुराना तो सियासी है यानी कि कोई ओदा नहीं है सियासी है मैं दूसरी बार भी इलेक्शन लड़िया वो खिलाफ लड़िया पिछली बार ऐतना भी मैं खिलाफ लड़ना मेन सियासी है मेरा ब्रदर है अमन कुमार रिंकू बदमाशी बढ़ावा देंगे आप लोग इस करके इन्होंने कार्रवाई होनी चाहिए। आईसीयू च है हले स्कैन वगैरह करा रहे ने उस तो बाद डॉक्टर दसणगे हले उन्होंने दसणगे कि गोली चली है जी अजय आजाद नगर गली नंबर 3 च गोली चली है जी उत्थे कारपोरेशन वालों गटर साफ करने वाली कोई मशीन भेजी गई उत्थे दो पार्टियां उन्हों करदियां ने उत्थे वर्क करदियां ने पोलीटिकल पार्टियां एक सुरेंद्र चौधरी की एक डिंपल अरोड़े की वह मशीन तो लैके इन्हां दा झगड़ा आ जिहड़े सुरेंद्र चौधरी पार्टी वालों कोई सपोर्ट ते जिहड़े मुंडे आए उन्हां वालों एक चों दो फायर किए गए एक हवाई फायर एक लगा सर जिदे लगा वो किस पार्टी तो ने ते जिन्ना ने लगाया वो किस पार्टी दा ने जिन्ना वलो लाया गया वो कांग्रेस पार्टी है जिन्ना दे लगा वो आम आदमी पार्टी ते कहे दी सर गिरफ्तारी हुई है अजे कोई गिरफ्तारी नहीं मामला दर्ज कंडीशन की है जिन्नू गोली लगी ठीक है स्टेबल है सर पार्टी भाई नु लेके झगड़ा आया जां फिर इनहां दी पुरानी रंजिश चलदी आ रही कोई दोवें कामी है पार्टी बाजी भी है ते दोवां दी पुरानी रंजिश भी इनहां दी हैगी कोई गिरफ्तारी सर नहीं अजे कोई नहीं मामला दर्ज कर रहे जल्दी गिरफ्तार किए जाणगे जिहड़े बंदे बिल्कुल बिल्कुल जी किए जाणगे धन्यवाद सर।